और अब बात करते हैं आसमान से बरस रही आफत की। छत्तीसगढ़ में कई जिलों में जोरदार बारिश हुई। लगातार बारिश होने से नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर हाईवे जाम हो गए हैं, आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है, कई जगहों पर पानी भर गया है, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है, कई जगहों पर जाम में गाड़ियां फंस गई हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो कई गाँव का शहरों से संपर्क टूटने का खतरा पैदा हो गया है। सुकमा में भारी बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोग जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे हैं। जगरगुंडा के मल्लेबाग में उफनते नाले को गांव वाले पार कर रहे हैं। दो दिन से इलाके में हो रही है भारी बारिश। इलाके में नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर लगातार बारिश होने के बाद जो लोग हैं वो अपनी जान को जोखिम में डालकर इन नदी नालों को पार कर रहे हैं। वही दंतेवाड़ा की भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां जिले में 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। हवा के साथ तेज बारिश होने से सड़क पर पेड़ गिर गया। दंतेवाड़ा से बचेली जो रास्ता है वो जाम पड़ा हुआ है। आवागमन पूरी तरह से बंद है। कई गाड़ियां जाम में फंसी हुई हैं। ये सड़कें खाली हैं क्योंकि यहां पर आवागमन बंद है। अब दिखाते हैं तस्वीरें आपको दंतेवाड़ा बीजापुर की, माफ कीजिएगा, जहां भारी बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भैरमगढ़ के यात्री बस स्टैंड में बारिश के बाद की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। नेशनल हाईवे के दोनों ही तरफ जाम लगा हुआ है। जिले के सीमा से लगे इंद्रावती का भी जलस्तर बढ़ गया है। गंगालूर चेरपाल मार्ग भी ठप पड़ा है। मृगांचल नदी का भी जलस्तर बढ़ रहा है। उसूर के बासागुड़ा तालपेरू नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। कांकेर में लगातार बरसात से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। दुध नदी का भी जलस्तर बढ़ा हुआ है। भानुप्रतापपुर अंचल में भी लगातार बारिश हो रही है। संबलपुर चवेला मार्ग स्थित खंडी नदी में जलस्तर बढ़ा हुआ है। आवागमन पूरी तरह बंद हुआ है। कोंडा गांव में भी बारिश आफत बनकर बरस रही है। लगातार हो रही बारिश से नदी नालों में जलस्तर बढ़ा हुआ है। बाढ़ के हालात बन सकते हैं। जोंद्रा पदर पुल, बमहनी पुल, यहाँ सड़क से कुछ ही नीचे बह रहा है पानी। बाढ़ आने के बाद कई गांव का शहर से संपर्क टूट सकता है। देश के कई इलाकों में मौसम को देखते हुए हाई अलर्ट है। यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली समेत कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर आशंका व्यक्त की गई है। इन सबके बीच देश के कई हिस्सों से बारिश और बाढ़ की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। लहरों की ताकत ने मशीन की ताकत को जाम कर दिया है। सैलाब के कहर की सनसनीखेज तस्वीरें, मूसलाधार बारिश की चुनौती भरी तस्वीरें, देश के कई इलाकों में मौसम का हाई अलर्ट। कुदरत जब तबाही मचाने को आमादा हो तो कुछ नहीं देखती, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती है। इस वक्त कमोबेश देश के अलग अलग इलाकों से ऐसी सन्न कर देने वाली तस्वीरें आ रही हैं। ये द्वारका का हरिपर पानीली मार्ग है। बाढ़ का पानी प्रचंड वेग के साथ बह रहा है। एक कार सवार ने सैलाब को पार करने की कोशिश की, लेकिन जिसका अंदाजा था वही हुआ। लहरों की ताकत ने मशीन की ताकत को जाम कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि इस गाड़ी में सवार लोगों की जान पर बन गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने इस गाड़ी को एक ट्रैक्टर से बांध दिया और कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी को खींच लिया गया। यह वीडियो शिंगोड़ा नदी का है, जहां सैलाब ने सारी सीमाओं को तोड़ दिया है। जमजिर धोध नाम के वाटरफॉल पर उमड़ा यह सैलाब
निचले इलाकों में तबाही के संकेत दे रहा है। गिर सोमनाथ में मूसलाधार बारिश ने हालात भयावह कर दिए हैं। गिर के जंगलों से होकर गुजरती नदी दहशत पैदा कर रही है। बानेज धाम के पास सैलाब की रफ्तार ऐसी है कि मानो ये लहरें सब कुछ बहा ले जाने को तैयार हैं। केदारेश्वर चेक डैम की तस्वीरें भी देख लीजिए। डैम ओवरफ्लो हो चुका है। जुड़वली और इटवाया गांव को जोड़ने वाली सड़क मछौंदरी नदी में समा गई है, जिस वजह से सड़क पर आवाजाही ठप हो चुकी है। तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि पूरे गिर सोमनाथ में सैलाब किस कदर तबाही मचा रहा है। प्राची तीर्थ पर मौजूद माधव राय मंदिर बाढ़ में समा गया है। ऊपरी इलाकों में हो रही बारिश की वजह से सरस्वती नदी में जबरदस्त तूफान है। बाढ़ का पानी अपनी सीमा से कई मीटर की ऊंचाई पर बह रहा है, जिस वजह से यहां लोग डरे सहमे हैं। दावा किया जा रहा है कि एक ही दिन में हुई 6 इंच बारिश ने सब कुछ डुबो कर रख दिया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेकर घरों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। पंपिंग सेट से पानी को निकालने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि सारी व्यवस्थाएं सड़क पर उमड़े इस सैलाब के साथ बह गई हैं। अमरेली में भी भारी बारिश की वजह से हालात बेकाबू हो चुके हैं। जिले की नदियां अपनी हदों को पार कर चुकी हैं। पाथला गांव से आइए तस्वीरें देखिए, जहां सैलाब की टक्कर ने सड़क के दोनों किनारों को लील लिया है और अब अमरेली के तितानिया गांव की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें भी देख लीजिए। यहां का खोड़ियार मंदिर बाढ़ में डूब चुका है। सैलाब की लहरें यहां लगातार विकराल रूप लेती जा रही हैं। राजकोट में भी 5 से 7 इंच हुई बारिश ने हालात भयावह कर दिए हैं। बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब उमड़ गया है, जिस वजह से गांवों का संपर्क सड़कों से कट गया है और लोगों को आवाजाही में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की हैं। यहाँ टिकटौली दूमदार झरने पर 3 दोस्त पिकनिक मनाने आए थे, लेकिन अचानक पानी बढ़ने की वजह से तीनों तेज धारा के बीच फंस गए। आनन फानन में स्थानीय प्रशासन तक सूचना पहुंचाई गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से तीनों लोगों को रेस्क्यू किया गया। दोपहर करीब 1:30 बजे सूचना प्राप्त हुई, जैन मंदिर पड़ता हुआ टिकटौली झरना है कि यहाँ पे 3 लोग झरने में फंस गए हैं। पानी तेज बारिश हुई तो एकदम पानी आ गया, तो मैंने तत्काल अपने बल को इकट्ठा करके रस्सी डलवा के करीब करीब आधा घंटा रेस्क्यू की। आधा पौन घंटे रेस्क्यू करने के बाद उनको तीनों को सुरक्षित निकाला। उधर मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की आशंका जताई है। यही वजह है कि प्रशासन की ओर से तमाम जिलों को लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहां अचानक पानी बढ़ने का खतरा हो, क्योंकि मौसम के इस हाई अलर्ट में पता नहीं कब कहां से नई मुसीबत का सामना हो जाए। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह पर हादसे भी हो रहे हैं। कहीं पेड़ गिर जा रहा है, कहीं मकान को नुकसान पहुंच रहा है, सड़कें नजर नहीं आ रही हैं और लगातार जो आम लोग हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोंडा गांव में भारी बारिश का कहर, जहां बड़े कनेरा मार्ग पर एक पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से रास्ता बंद हो गया, सड़क के दोनों ही तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। सड़क से पेड़ हटाने की कोशिश जारी है। देख सकते हैं आप किस तरह से ये भारी भरकम पेड़ जो सड़क के बीचों बीच गिरा हुआ है और पेड़ गिरने से रास्ता बंद हो गया।
तो कोंडा गांव में भारी बरसात से नारंगी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इलाके में बाढ़ के हालात हैं। जोंधरा पदर और बमहनी पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। जोंधरा पदर पुल से आवाजाही बंद है। मौके पर नगर सेना के जवान तैनात हैं।